डॉक्टर रेहान, डॉक्टर रेहान कैन यू हियर मी? यस थैंक यू सो मच। सो वी हैव अ डॉक्टर मोहम्मद रेहान, ही इज वर्किंग इन आईजी आरएमएस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। दो ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ही इज अ मैन, आई थिंक ही इज वेरी पॉपुलर। ही इज वन हु एस्टेब्लिश्ड यंग लाइफ एसोसिएशन एंड यू नो वेरी पॉपुलर इन इंडिया, बट इट इज माई ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस हिम। ही इज एक्चुअली डॉक्टरल, ही होल्ड द डिग्री ऑफ पीएचडी, इज क्लियर नेट एम फिल एम एस एम लिव एस सी, एंड ही इज ऑल्सो हैविंग एम एस सी इन बॉटनी। ही इज हैविंग अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, एंड ही इज वर्क इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड इन राइट नाउ इंक्लूडिंग राजीव गांधी कॉलेज भोपाल, एंड ही इज हैविंग मेंबरशिप ऑफ मेनी प्रोफेशनल बॉडीज। ही इज हैविंग अ He's written more than 10 books and 50 articles. So he's having a very rich biodata. So with these words, I invite Dr. Rehan to give his presentation. Over to you, Dr. Rehan. थैंक यू पाठक जी। इन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू इन अ वंडरफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द एमबीएलए टीम, स्पेशली डॉक्टर प्रभात पांडे, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर त्रिपाठी एंड ऑल द टीम मेंबर्स DLA for giving me the chance to share my views here. Are you going to share any PPT? Yes, I'm going to screen share. Yeah. Okay. पाठक जी, आपने परमिशन शेयर की मुझे? हाँ हाँ, इट इज देयर, यू प्लीज गो अहेड एंड शेयर। ओके, या इट इज कमिंग नाउ, या प्लीज मेक इट फुल स्क्रीन एंड देन प्लीज गो अहेड, यू हैव 10 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पाठक जी। आपको दिख रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? आवाज आ रही है? यस, परफेक्ट, प्लीज गो अहेड। क्योंकि मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि मैं अपना प्रेजेंटेशन लगभग 10 मिनट में खत्म करूं, मुझे 7 मिनट दिया है, और ऐसा है कि जब इंसान को टाइम मिलता है तो वो पूरा टाइम लेना चाहता है। और जिस तरीके से पहले प्रेजेंटेशन हुए तो मैं वो सब ज़्यादा बातें नहीं करूंगा कि लाइब्रेरी में जनरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, और क्या सीटी, क्या हम टेक्निकल वर्क ये सब करते हैं। मोस्ट ऑफली सभी लाइब्रेरी में होता है, और लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी, इनमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। और मोस्टली जो सर्विसेज ऑफर्ड की जाती हैं वो स्पेशल लाइब्रेरी में बहुत अधिक है। मैं एक अलग तरह से ही आता हूँ। मेरी है म्यूजियम लाइब्रेरी, मैं काम कर रहा हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज की जो सिचुएशन है उसमें सबसे पहले मेन गेट पे लिखा हुआ है कि म्यूजियम आर क्लोज्ड फॉर द विजिटर्स। ये हर जगह की सिचुएशन है। अब धीरे धीरे जो सामान्यता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन म्यूजियम गवर्नमेंट ने अभी भी बंद कर रखे हैं। और मानव संग्रहालय के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक व्यू दिखाऊंगा। देखिए व्यू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का, जो भोपाल में श्यामला हिल्स पे स्थित है। आप में से बहुत लोगों ने यहाँ पे भ्रमण किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो आए। बहुत ही सुंदर म्यूजियम है, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये, जो कि पहाड़ियों पर बसा हुआ 200 एकड़ क्षेत्रफल में। और ये म्यूजियम थोड़े से आपको ग्लिम्सेस दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे तो म्यूजियम फिजिकली बंद है, लेकिन आप वर्चुअली उधर देख सकते हैं कि
बहुत ही सुंदर है ये म्यूजियम। इसमें स्लाइड आया गया है, जैसे एक दो स्लाइड और दिखाऊंगा। इस तरीके से ट्राइबल हैबिटेट बनाई हुई है म्यूजियम में, जिसमें ऊपर आपको इधर पे तमिलनाडु का विलेज दिख रहा है, जिसमें टोडा ट्राइब जो है तमिलनाडु की, इसके हैबिटेट यहाँ पर है। साथ ही इस म्यूजियम की एक और बहुत खास बताऊं खास बात है, वो है इट्स रॉक आर्ट। यहाँ पर जो गुफाएं हैं उसमें नेचुरल रॉक आर्ट्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है और वो भी मध्य प्रदेश में है, उसी से मिलते जुलते यहाँ पर रॉक आर्ट्स मौजूद हैं जो लगभग 10 से 15 हजार साल पुराने हैं और ये लाइव रूप में, जीवंत रूप में यहाँ पर है, जो दर्शकों को देखने का सौभाग्य होता है। आप हैं हिमालयन विलेज का। और अब मैं आता हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बनाया गया उसके एम्स और आउटलुक क्या है। द बेसिक एम्स टू प्रेजेंट द इंटीग्रेटेड स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। It aims to highlight the richness and diversity of cultural patterns in India and its underlying unity. Its basic aim to promote national integration. Its basic aim to organize indoor and outdoor exhibition on human evolution, culture, society, and historic times. To take a step to salvage and preserve the past vanishing aspect of the Indian culture, to promote and conduct research in the related subject and provide funds and enter into arrangements with the similar institution. साथियों, जिस तरीके से ये एम्स दिखाए गए हैं और इसके ऑब्जेक्टिव हैं, एक म्यूजियम और लाइब्रेरी में बहुत ही समानता होती है। म्यूजियम का जो उद्देश्य होता है वो लाइब्रेरी से बहुत ही मिलता जुलता है। इस स्लाइड में ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक बनाया हुआ है कि द बोथ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। जैसे कि आप देखेंगे लाइब्रेरी वर्सेस म्यूजियम, जो कलेक्शन होता है लाइब्रेरी में, बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, स्लाइड्स हैं, सीडीज हैं, डिजिटल मटेरियल है, इसी तरह म्यूजियम का जो कलेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, आर्ट वर्क है उसका डिफरेंट, और इससे रिलेटेड जो पब्लिक है लाइब्रेरी में, यूजर्स विजिटर्स दोनों कह सकते हैं, म्यूजियम में भी विजिटर्स होते हैं, और इन दोनों का जो उद्देश्य है वो भी लगभग सेम है। आप देखेंगे कि लाइब्रेरी का उद्देश्य है एजुकेशन देना, इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, रिसोर्सेज प्रदान करना, यूजर्स की नीड को फुलफिल करना और इससे रिलेटेड R&D एक्टिविटीज चलाना। इसी तरह म्यूजियम का उद्देश्य भी एजुकेशन है, नॉलेज है और साथ में एंटरटेनमेंट भी है, वो भी विजिटर्स को ये सारे एम्स देता है। जो मटेरियल कलेक्शन किया जाता है लाइब्रेरी में डिस्प्ले होता है, स्टोरेज होता है, साथ ही हम उसको ऑर्गेनाइज करके इसका डिसेमिनेशन और रिट्रीवल करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लाइब्रेरी का जो मेन पर्पस है वो डिसेमिनेशन एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर ये नहीं होता है तो लाइब्रेरी इज ए म्यूजियम, फिर लाइब्रेरी लाइब्रेरी नहीं है। म्यूजियम का जो काम है वो प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड डिस्प्ले फॉर द विजिटर्स। टेक्निकल जो वर्क होते हैं लाइब्रेरी में भी, डॉक्यूमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, कैटलॉगिंग होता है, म्यूजियम में भी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग उसी तरीके से किया जाता है। तो जो म्यूजियम और लाइब्रेरी में बड़ी समानता है वो काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। तो इधर पर जो लाइब्रेरियंस करते हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल करते हैं, वही म्यूजियम में म्यूजियम क्यूरेटर्स, म्यूजियम असिस्टेंट, एसोसिएट ही यही कार्य करते हैं। बोथ लाइब्रेरी एंड म्यूजियम रिपोजिटरी वी नो ऑल ना, बट लाइब्रेरी आर यूजर ड्रिवन, देयर इज अ डिफरेंस। द रोल ऑफ द लाइब्रेरी इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल थ्रू विच द यूजर फ्रीली रोम्स, मेकिंग हिज हर ओन कनेक्शन बिटवीन वर्क्स। द यूजर चूजेस व्हिच आइटम्स टू एड इन म्यूजियम। ऑन द अदर
and the curator driven. Historically, they have only provided access to limited things, usually exhibited through a particular interpretation context as provided by curatorial and educational staff. The museum provides a framework of context and interpretation. The user can navigate within the smaller body. अब हम इसमें मैं बहुत जो बेसिक सर्विस आईटीसी सर्विस और जो लाइब्रेरी के कार्य होते हैं और जो हमने ड्यूरिंग पेंडेमिक किए हैं वो लगभग सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल ने अपने यूजर्स को सर्विसेज प्रदान करने के लिए दिए हैं। मैं इन सब पे ना जाते हुए कुछ स्पेशल इसकी बात करूंगा। ए नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये एक मिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया, जिसका मकसद था नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी स्थापित करना। और दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लार्जर विजन ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर इंडियन कल्चरल हेरिटेज इन द डिजिटल वेब वर्ल्ड। इट्स जस्ट लाइक एनडीएल, आप सबने देखा होगा जिस तरीके से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है और उसमें a vast of information in the format of documents, digital documents को रखा गया है। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का यह प्रयास था कि NVLI के अंतर्गत जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आने वाले या उससे रिलेटेड जो संस्थान है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों, इंस्टीट्यूट्स ऑफ आर्ट म्यूजिक कल्चर आर एक्सपेक्टेड टू बी वाइटल कंट्रीब्यूटर्स टू दिस विजनरी प्रोजेक्ट। और इसमें इन्होंने जितनी भी कल्चरल हेरिटेज था इन म्यूजियम्स में उसको इन्होंने यहाँ पर NVLI मिशन और उसको डिजिटाइज किया है। इसमें म्यूजियम में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, म्यूजियम में ऑडियो विजुअल मटेरियल होता है, म्यूजियम में पेंटिंग्स होती हैं, आर्ट वर्क होते हैं और भी म्यूजियम मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, उन सबको डिजिटाइज करके NVLI मिशन के अंदर कर जो पोर्टल बनाया गया, साथ ही जो इन संस्थानों से जुड़ी हुई लाइब्रेरीज था उनका डेटाबेस निकाल कर इस NVLI मिशन में डाला गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जब काम किया गया वो था कि सारे जो लाइब्रेरीज थे वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर काम कर रहे थे। जैसे मेरे यहाँ लिप्सिस है, कई लाइब्रेरीज में सोल था, कुछ लाइब्रेरीज ऑडियो विजुअल सॉफ्टवेयर चला रहे थे, जैसे उनकी वीडियो लाइब्रेरी है, ऑडियो लाइब्रेरी है, या म्यूजियम में जो वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उनके ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, उसको कन्वर्ट करना था डेटा को। इन्होंने जो NVLI में जो सॉफ्टवेयर लिया था वो था कोहा फॉर द बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस और दूसरा था डी स्पेस फॉर डिजिटल डाटाबेस। तो लाइब्रेरी से जो रिलेटेड डाटाबेस था वो हम लोगों को कोहा में कन्वर्ट करना था। वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी सॉफ्टवेयर में होता, चाहे वो लिप्सिस, सोल, ग्रंथालय या उसमें था, कई लाइब्रेरीज में था। इसमें काफी प्रॉब्लम आई, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मानव संग्रहालय में हमने लगभग 45,000 बुक्स और 2.5 lakhs ऑफ आर्टिकल डाटाबेस को ऑटोमेट किया हुआ था लिप्सिस में। अब इस डाटाबेस को कोहा में कन्वर्ट करना था, तो इसमें सबसे जब बड़ी प्रॉब्लम थी, बुक्स इज ए वेरी इजी टू कन्वर्ट from Lipsis to Koha, but article database में कुछ problem आ रही थी। उसको किसी तरह करके convert किया गया और जो other जो museum हम लोगों का था, जैसे slide, audio video material था और artwork थे, उनका digital content बनाकर D space में इनको दिया गया और इन्होंने इसमें डाला। और इसका जो वो था वो डबलिन कोर में इसको दिया गया फॉर्मेट जो था।
उसके बाद जब ये बनकर तैयार हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पर एक इंडियन कल्चर नाम से इसको बनाया गया, और इसको बनाने में जो पार्टनर थे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेक्निकल जो सपोर्ट था वो आईआईटी बॉम्बे का था, और इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब ने मिलकर ये कार्य किया और आखिरकार सारे लोगों के डाटाबेस को लेके इंडियन कल्चर में इसको डाला गया। आप देख सकते हैं, और ये इतना ह्यूज डेटाबेस हो गया है, जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, कि जिसमें लगभग करोड़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स अब पहुंच गए हैं उसमें, इसी तरह इसमें भी हमारा जो इंडियन कल्चर, इसमें लगभग 45 लाख बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस प्लस म्यूजियम का जो कल्चरल डाटाबेस है उसको डाला गया है। और ये बिल्कुल कोहा पे, चूंकि इसका फॉर्मेट है, काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें सर्चिंग फैसिलिटी है, एडवांस सर्च है, जनरल सर्च है, कीवर्ड, ऑथर, पब्लिशर और एक्सेशन नंबर सारे से सर्च है, जिस इंस्टीट्यूट का वो डाटाबेस है उसके नाम से भी सर्च हो सकता है। यहाँ पर एक मैंने डाटा सर्च किया है, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं, रेयर बुक्स, रिपोर्ट्स, वीडियोस, एग्जीबिशंस, म्यूजियम से रिलेटेड है, न्यूज़लेटर्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, लाइब्रेरी मैनुअल्स, बुलेटिन, ई बुक, ई लीफलेट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, गजेटियर्स, पेंटिंग्स, फोटो, इमेजेस, मैन्युस्क्रिप्ट एंड वीडियोस, ये सारी कैटेगरी बना के इसमें सारा मटेरियल विथ डिटेल के साथ डाला गया है। इसमें एक मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ बुक, जिसमें मैंने जैसे प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मैंने जब सर्च किया तो सर्च करने पे ये पाया कि डिटेल आती है। राइट में देख रहे हैं आप बिब्लियोग्राफी पर डिटेल है, लेफ्ट में पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा बुक है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी में है। अगर ये बुक और भी 4-5 लाइब्रेरी अगर में होती तो यहाँ पर वो शो करता कि किस किस लाइब्रेरी में होल्डिंग्स है। ये फॉर्मेट है, कोहा पे काम करने वाले इस फॉर्मेट से बहुत अवेयर होंगे किस तरीके से ये आता है, और डबलिन कोर व्यू है, जनरल व्यू भी इसका आता है। उसके बाद जब हम इसको खोलते हैं और ये ऑनलाइन रीडिंग के लिए बुक पूरी तरह तैयार होती है, देखिए आप यहाँ पर दिखाई गई है, और नेक्स्ट करते हुए सारे पेज ये लगभग 332 पेज की पूरा प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन का है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस जो प्लेटफॉर्म की, इंडियन कल्चर की, लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने म्यूजियम लाइब्रेरी में जो अदर वर्क होते हैं उसको नहीं लिया, इसलिए कि अगर हम इस पे जाते हैं और यूजर्स को हम लोग जो आजकल कर रहे हैं इसी के प्रति अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वो इस डेटाबेस को देखें, और जिस तरीके से एनडीएल और अदर जो डेटाबेस और जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, इंडियन कल्चर इज वेरी यूजफुल फॉर द ऑल यूजर्स। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच पाठक जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रेहान फॉर ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन, टेकिंग अस वर्चुअल टूर टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आई हैड बीन देयर टू नंबर ऑफ टाइम्स, आई वाज लकी इनफ एज यू मेंशन दिस टाइम यू नो इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट, but it is a wonderful place, I'll say like heaven on the you know earth, and you are lucky to work in such a institution. I have told I think number of times you know that people get you know this thing that you are working in a wonderful institution. So thank you so much Dr. Rehan.